ललितपुर में खाकी पर एक बार फिर घूस लेने का लगा ग्रहण, जिसका ऑडियो आया सामने, जिसमें पीड़ित फरियादी से पुलिस कर्मी द्वारा की जा रही पैसे की मांग, जिसको लेकर पीड़ित फरियादी ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए पुलिस अधीक्षक से लगाई है मदद की गुहार। मामला ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर पुलिस चौकी अंतर्गत का है, जहाँ के रहने वाले एक पीड़ित फरियादी ने ललितपुर पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर नेहरू नगर पुलिस चौकी इंचार्ज एवं पुलिस कर्मी पर उसे मानसिक रूप से परेशान और चौकी में बंद कर उसके साथ पिटाई का आरोप लगाया है तथा उसे अवैध पैसों की मांग की गई है। पैसे न देने पर उसे गंभीर मामलों में फंसाने तक की धमकी दे डाली, जिससे परिजन घबरा गए तथा पीड़ित व्यक्ति के परिजनों ने जैसे तैसे अड़ोस पड़ोस से 5,000 रुपये मांग चूंग कर इकट्ठा करके पुलिस को दे दिए और बाकी 5,000 रुपये के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसकी पीड़ित ने रिकॉर्डिंग भी की और पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत की है। दरअसल पीड़ित युवक की उसके चचेरे भाई से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, इसकी फर्जी शिकायत कराकर उसे पुलिस द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने सीओ सदर को दे दी है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिरकार कौन देगा उन्हें न्याय। जिले के अधिकांश पुलिस थाने एवं चौकियों का बहुत बुरा हाल है, जहाँ न्याय कम पैसा ज्यादा खर्च होता है और समय की बर्बादी की तो कुछ भी मतलब। नगर चौकी में कल परसों हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, हमारे चाचा के लड़के ने जमीन विवाद से झूठी रिपोर्ट कर दी। जब जमीन विवाद चल रहा था तो इनने हमसे 50,000 रुपये छुड़ा लिए और हमें मारा है। कुछ बल के बाद 6 महीने पहले हमें पता चला हमारी ऐसा रिपोर्ट होगी तो हम नेहरू नगर चौकी अपने ऊपर के चले गए। तो कुछ मतलब कुछ हमारे खिलाफ झूठी हो तो हम पहुँच गए। हम वहाँ पहुँचे तो चौकी इंचार्ज ने हमें अंदर बुलाया और बहुत मारा है लात झूठों से और हमें सर जी चोट भी लग गई यहाँ पर और हमें सर इधर कितनी में झूठे मार रहे थे वो। हमने कहा सर मारू नहीं मारो सर कुछ कर दे सर। तो हमने कहा लाओ 10,000 रुपये लाओ सर। हमारी मम्मी झगड़ा गई, हमने सोचा मार देंगे जेबो। मम्मी ने भाई को फोन लगाया, हमने मम्मी को लगाया था बोला कि एक काम करो तुम पायल रख के आओ 5,000 रुपये दे दूँगा। और मम्मी ने 5,000 रुपये दे दिए तो 5,000 से माने नहीं। बोले थे 5,000 रुपये कब दोगे? मम्मी ने बोल दिया तो कल व्यवस्था हो जाएगी तो दे देंगे। कहीं तो घर मांगेंगे अपने भैया दे देंगे। हमने कहा तो ठीक है दे देना सर। तो हमने हमारी स्क्रीन कार्ड में चालान कर दिया और स्क्रीन कार्ड चला गया। सर हमने शाम को फोन लगाया तो पैसे कब दे रहे? हमने बोला सर है नहीं, क्योंकि हमारा पर रिकॉर्डिंग भी है। सर हमने कल फोन लगाया। कहाँ किस चौकी का मामला है? नेहरू नगर चौकी। तो आपके पास रिकॉर्डिंग है? सर रिकॉर्डिंग है हमारे। तो आप कहाँ शिकायत कर रहे हो? हम सर एसपी ऑफिस। क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हम जी चाहते सर हमारे साथ नहीं आए हो सर। हमें मुझे गुहर से ये बोले तो हम किसी भी झूठे के फंसा के जेल पहुँचा देंगे अगर पैसे ना दिए। नाम पता है किसी का? कोई सोनी जी हैंगे, दीवान जी उन्हें मांगे थे और दरोगा जी को हम नाम से पहचानते नहीं हो। कोई शर्मा जी हैंगे नेहरू नगर चौकी जो मैंने इंचार्ज। दीवान जी आए नहीं? को बोल रहे जैन साहब? अरे दीवान जी बोल रहे हैं चौकी से। हाँ दीवान जी, चंचल से बात कराओ मेरी। हाँ बताओ दीवान जी, चंचल ही बोल रहे। हाँ तो चंचल बोल रहा है तो ठीक है। पैसा है नहीं यार दीवान जी, आप पैसा के कहा फेर रहे? अच्छा हाँ दीवान जी है नहीं पैसा ही तो दे दे आपका। तो यार इसी तरह जुबान करते हो तुम है नहीं या दीवान जी, तनक मान जाओ। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जुबान इसी तरह करते हो। अरे तो है नहीं या दीवान जी, तो दे दे कल पैसा। अब आ जाओ दे दे हम आपसे। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार, जुबान की बात कर रहा हूँ मैं। जुबान वाली बात नहीं है, है नहीं या दीवान जी। अब हमने दे दे आपको, रुक जाओ आप तनक दे दे। अच्छा हम को भेजो। ठीक है दीवान जी।